सोनू जी, उपेंद्र जी एंड कुलदीप जी, आज हम जो है डिस्कस, आज की जो अपनी क्लास है उस क्लास को शुरू करेंगे हम पावर बीआई की रिलेशनशिप से रिलेटेड। आपने अगर एसक्यूएल या एक्सेस वगैरह किया होगा या पावर, ये आपको पावर पिवट टेबल किया होगा, तो आपने इस रिलेशनशिप के बारे में जाना होगा। चलिए हम बात करते हैं आप रिलेशनशिप के बारे में। देखिए, मेरे पास तीन डेटा है। पहला है कस्टमर। कस्टमर के अंदर यहाँ पे कस्टमर की आईडी है, नेम है और किस लोकेशन सिटी है। फिलहाल तो तीन ही कॉलम है, लेकिन हो सकता है इसमें और भी इंफॉर्मेशन होगी। उसी तरह से हम प्रोडक्ट में आते हैं, तो प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास पीआईडी, प्रोडक्ट का नेम, एमआरपी। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा मेन डेटा है सेल्स का, जो कि मेन डेटा है, इसके अंदर में आप देखेंगे अब इसमें आप देखेंगे कि प्रोडक्ट की जस्ट पीआईडी है और कस्टमर की सीआईडी है। अब मान लीजिए कि मुझे एक बनाना है, टेबल बनानी है, एक मान मैट्रिक्स टेबल बनानी है। ठीक है, अब मैट्रिक्स टेबल में मुझे चाहिए पहले प्रोडक्ट की, यहां प्रोडक्ट नेम रख दिया कि किस प्रोडक्ट नेम, फिर हमने यहां पे लिख दिया सिटी, कस्टमर ने सिटी, सिटी को उठा के हम रख दिया कॉलन में कि किस कॉलम। अब यहीं पे प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि दो टेबल से डेटा बिना रिलेशनशिप का नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि किस प्रोडक्ट को किस सिटी में कितनी क्वांटिटी में सेल किया है, बट मेरे इस डेटा के अंदर में प्रोडक्ट की जस्ट क्या है, आईडी है और कस्टमर की जस्ट आईडी है, बाकी इंफॉर्मेशन नहीं। क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हम रिलेशनशिप करेंगे। देखिए, जब आप क्रिएट करते हैं उसी समय रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, लेकिन नहीं, सही से नहीं हुआ तो आप यहाँ पे मॉडल पे जाइए, जहां पे जितने भी आपके टेबल्स हैं वो टेबल लिस्ट यहाँ दिख जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब इसको मैं यहाँ से नीचे ड्रैग करता हूँ। अब इसकी जो पीआईडी है, इसके पीआईडी के बराबर है, तो बस इस पीआईडी को उठाना है यहाँ से, और उठाने के बाद इसी के ऊपर जस्ट ड्रॉप कर दे। क्या कर देनी है? ड्रॉप कर दे। ऐसे इसकी सीआईडी है, सीआईडी को उठाना है और इसके ऊपर क्या कर देना है, जस्ट ड्रॉप कर दे। उसके बाद अब हम डेटा में आते हैं। अब यहां देखिए, दिख रहा है? पहले नहीं दिख रहा था, अब यही चीज यहां दिख गया। दिख गया सर? तो जैसे पावर पिवट में हम यूज करते थे, वैसे भी यहां यूज कर सकते हो किसी भी डैशबोर्ड पर। क्लियर है? कोई डाउट सर? सोनू जी को डाउट? नो सर। अब यहां एक चीज और आती है, जैसे कि मैं स्लाइसर की बात किया, स्लाइसर लगाता हूं। तो मान लीजिए कि मुझे स्लाइसर लगानी है, वो लगाना है नेम के अकॉर्डिंग, लास्ट नेम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने रख दिया, तो आप देखेंगे कि लास्ट नेम के अकॉर्डिंग स्लाइडर इस्तेमाल। मतलब कि जब हम सिर्फ डेटा ही नहीं ले सकते, हम जितने भी हमारे टेबल्स है उन टेबल्स का हम फिल्ट्रेशन भी उसी हिसाब से कर सकते। ठीक है, हमें एक बार पावर बीआई को मैं करता हूँ डॉन सेव, और पावर बीआई वापस ओपन करता हूँ। ठीक है, अब इस बार मैं गेट डेटा पे क्लिक करता हूँ और एक्सेल की उसी फाइल को क्लिक करता हूँ।
है। अब यहाँ एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ और पी डेटा को सिलेक्ट किया एंड ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद मैं यहाँ इन तीनों चीज को एक साथ सिलेक्ट करता हूँ। और यहां हम करते हैं कनेक्ट लोड। अब लोड होते समय ही आपका जो पावर बीआई रिकॉग्नाइज कर लेगा रिलेशनशिप या कनेक्टिंग कनेक्ट मॉडल दिख रहा है ना, और ये ज्वाइन करेगा। आप अगर जाते हैं मॉडल में तो आप देखेंगे आप ज्वाइन दिख रहा है आपको जो पावर बीआई तीनों का तीनों फील्ड आपको ज्वाइन दिखेगा। अब इसको इस तरह से अरेंज कर लीजिए क्योंकि ऊपर इस तरह से उल्टा सीधा लगा हुआ है। लेकिन मुझे चेक करना है कि मेरी जो रिलेशनशिप है वो सही है नहीं है, कैसे चेक करें। तो जैसे मैंने यहाँ यहाँ देखिए और आईडी ये इस पे जब मैं क्लिक करूंगा सर, ये रिपीट कर सकते हैं क्या? ये कस्टमर सेल्स और प्रोडक्ट सर ये कैसे आया? जब मैं लोड किया तो अपने आप आ गया यहाँ पे मॉडल में। पहले ओके आपको तीनों टेबल लोड करना है, ठीक है ना, ओके उसके बाद मॉडल में जाना है। मॉडल में आपको एक सीआईडी और ये आपका पीआईडी दोनों के तो लिंक है ना, तो एक बार चेक करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है कि भाई इधर ऑर्डर डेट से लिंक है, यहाँ भी ऑर्डर डेट से लिंक है, लेकिन जब इस पर कर्सर रखेंगे तो आपका हाईलाइट होगा कि किस फील्ड से लिंक, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हूँ अपने डेटा पे हूँ, डेटा में आगे सेल्स। अब मान लीजिए कि सीआईडी के बाद मुझे कस्टमर का नेम यहाँ पे शो कर, तो यहाँ पे न्यू कॉलम में आए, सी नेम, और यहाँ पे हम रिलेटेड नाम का फॉर्मूला होता है, रिलेटेड नाम का फॉर्मूला लगाइए। और यहाँ पे हमने बोला कि मुझे कस्टमर का नेम चाहिए, कस्टमर का नेम सिलेक्ट किया और एंटर किया। तो रिलेटेड फॉर्मूला एक तरह से वी लुकअप की तरह काम करेगा, ठीक है ना, लेकिन ये सिर्फ रिलेटेड रिले जो रिलेशन है उसी पे वर्क करेगा, उसके अदरवाइज पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आप बोलेंगे इसके लाने की जरूरत क्यों है, लाने का जरूरत क्यों है? तो कई बार हमें अपने हिसाब से चीजें देखनी होती है ना, कई बार अपने हिसाब से डेटा को डालना होता है कि भाई वहां से। अब मान लीजिए कि यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे क्या था, लास्ट नेम था। अब मान लीजिए आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों को मर्ज कर देना है, या यहाँ देखिए क्वांटिटी है, मुझे इसकी यहाँ पे एमआरपी चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे रेवेन्यू दिखाना है कि किस प्रोडक्ट की क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, कितनी रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब मेरे डेटा में यहाँ पे एमआरपी तो है, यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे एमआरपी तो है नहीं। एमआरपी जो है वो हमारे प्रोडक्ट वाले सेक्शन में, तो यहाँ मुझे एमआरपी एक एक सेल्स को एमआरपी से मुझे मल्टीप्लाई करना है ना सर। तो न्यू कॉलम में यहाँ पे हमने डाल दिया अमाउंट, क्या कर दिया अमाउंट। अब अमाउंट के बाद अमाउंट, और मुझे यहाँ पे रिलेटेड नाम का फॉर्मूला लगाया। रिलेटेड फॉर्मूले से मैंने यहाँ पे इसकी एमआरपी ली और इस एमआरपी को टाइप से सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एमआरपी को मल्टीप्लाई किया किससे, क्वांटिटी से। और यहाँ पे एंटर प्रेस करो, अमाउंट आया। अब मैं अपने विजुलाइजेशन के ऊपर क्या करूंगा, अपना जो भी चाहिए बार चार्ट कॉलम चार्ट टेबल जो भी विजुलाइज करना है वो आप यहाँ आसानी से कर सकते हो। जैसे कि मुझे मंथ वाइज टोटल क्वांटिटी, क्लियर ही आपकी क्वांटिटी, और मुझे इसका रेवेन्यू भी चाहिए, अमाउंट भी चाहिए। तो ये रहा आपका अमाउंट, अमाउंट में डाल। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा या इस पे, हाँ इस पे क्लिक करता हूँ, नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो अमाउंट वो छोटा है अमाउंट के मामले में, अलग अलग कर दिखाना बेटर रहेगा, या फिर टेबल में दिखा दीजिए कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। वहां पे मैंने मंथ लिया, तो ठीक है सर। तो समझ में आया आपको, रिलेशनशिप समझ में आया? सोनू जी, उपेंद्र जी, यस रिलेशनशिप समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? सर, नहीं सर, एक चीज पूछनी थी, क्या हम दो कॉलमों के बेसिस पर रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं? मतलब एक ही सेल में दो कॉलम है, एक ही टेबल के अंदर? मतलब सर, लेट सपोज कि सर दो टेबल हैं, दोनों टेबल के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, और मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को पिक करे, दोनों के साथ में दिखाए मुझे। नहीं, रिलेशनशिप का एक और गाइडलाइन है, ठीक है ना। जैसे कि हमने सेल्स को प्रोडक्ट से किया, तो सेल्स में प्रोडक्ट जो है कई बार रिपीटेड है ना, लेकिन प्रोडक्ट टाइम में एक ही बार होना चाहिए। मतलब कि हम जो दो टेबल के बीच में रिलेशंस करेंगे, उन दो टेबल में क्या होना चाहिए? एक में यूनिक होना चाहिए। जी हाँ। अब क्वेश्चन आता है, क्या हम सेल्स को बाईपास कर सकते हैं? जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कस्टमर लिंक है सेल्स से, और प्रोडक्ट लिंक है सेल्स। मतलब कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में कोई रिलेशन नहीं। तो मान लीजिए मुझे पता करना हो कि किस सिटी के अंदर कौन सा प्रोडक्ट की क्या एवरेज एमआरपी है, तो क्या निकल सकता है? मतलब मैं इसमें सेल्स का कोई रोल नहीं लेना चाहता, मैं कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में रिलेट करना चाहता हूं, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता चलिए देखो कि एमएस एक्सेस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, एक्सेल में भी ऐसा नहीं होता। सर कॉमन तो रहना चाहिए ना कुछ चीज रिलेशन करने के लिए, कस्टमर हाँ, तो दोनों के बीच में, मैं कस्टमर और सेल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है और प्रोडक्ट में कोई वो कॉमन नहीं है। जी। तो हमने क्या किया कि हमें चाहिए सिटी। तो सबसे मैं ये लेता हूँ, रेवेन्यू ये लेता हूँ, मतलब कि टेबल लेता हूँ, कि हमने यहाँ पे सिटी उठा लिया, तो सिटी लिस्ट आ गया। और मुझे अब इसके अंदर प्रोडक्ट से क्या चाहिए? एमआरपी चाहिए, मुझे एमआरपी का एवरेज चाहिए। तो एमआरपी यहाँ पे रख, बट एमआरपी जो है यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसको एवरेज कर। कुछ दिक्कत नहीं लग रहा है सर? कुछ दिक्कत लग रहा है सर कि नहीं? क्या हाँ सर, दिक्कत लग रहा है? एवरेज सिटी सिटी एवरेज का कुछ कॉम्बिनेशन समझ में आ नहीं रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या दिख रहा है? आपको लग रहा है, दिख रहा है कुछ गड़बड़ सर? सर इसने क्या कर रहा है ना कि सारी की सारी वैल्यू एक साथ उठा के दे दी है फर्स्ट वाले की, इसने क्या करा कि रिलेशनशिप को स्टेब्लिश नहीं किया जी, गया। इसने देख, आप देख पा रहे हैं कि सबके सेम वैल्यू, मतलब इसने ये चेक नहीं किया कि दिल्ली में जाके दिल्ली के अगेंस्ट जो ये दिल्ली को लेके गया, इसमें सेल्स में लेके जाके वहां सेल्स के अकॉर्डिंग इसका प्रोडक्ट देख के उस प्रोडक्ट की एमआरपी नहीं निकाला, क्योंकि हमने सेल्स को इन्वॉल्व नहीं किया। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ क्वांटिटी को इन्वॉल्व कर देता हूँ, तो क्वांटिटी तो सही दिख रहा है, पर अभी भी हमारा एवरेज और एमआरपी सही नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है ना। तो एक काम करते हैं, हम जाते हैं अपना सेल्स के अंदर, और यहाँ पे हम देते हैं न्यू कॉलर्स, और यहाँ पे हम जो है एमआरपी को कॉल करते हैं रिलेटेड फॉर्मूला से, ठीक है, रिलेटेड एमआरपी।
अब देखिए यहां पर, अब मैं यहां पे सेल्स में जो एमआरपी रिलेट किया हमने उस पर आते, यहाँ पे सम आ गया, यहाँ पे हम सम हटा के एवरेज कर, ठीक है। तो इससे क्या सीख रहे हैं सर आप? सुनो जी, आप क्या सीख रहे हैं? बंदर जी, कुलदीप जी, आप लोग भी हैं, अभी आपने क्या सीखा सर, क्या समझा सर? यही देखा कि अगर रिलेशनशिप दूसरे टेबल से ना कंबाइन हो सके तो हम उसको क्या करते हैं कि जो रेलिवेंट फील्ड हो गया हम अपने पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ला सकते हैं, जिसका रिलेशनशिप ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है और उसके बेसिस पर हम अपने वैल्यू को यहाँ ला सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि आपको जैसे जितने टेबल से लिंक करें, एक आपका मेन टेबल होगा, क्या होगा, एक हमारा मेन टेबल होगा, तो आप जो है सारे सारे के सारे जितने भी टेबल से उस मेन टेबल से कनेक्टेड होंगे। अगर आपको मान लीजिए कि टेबल वन से टेबल थ्री के बीच में जाना है, तो आपको जो हमारा मेन टेबल टेबल टू है उसके साथ जाना हो, तो टेबल टू पे आपको कुछ रिलेटेड का फॉर्मूला लगा के टेबल टेबल थ्री से जो वेल फील्ड चाहिए आपको टेबल टू पे लाना है और फिर उसको अब यूज करना है। तो मतलब कहने मतलब है कि आप समझ जाइए कि जो भी हम विजुलाइजेशन शो करेंगे वो हम टेबल वन टेबल टू के बीच में ही करेंगे, या फिर टेबल टू एंड टेबल थ्री के बीच में करेंगे। अगर टेबल थ्री का चाहिए तो उसको टेबल टू पे लाना होगा, देन टेबल वन टेबल टू। ऐसे ही अगर टेबल थ्री या टेबल टू को कर रहे हो तो टेबल वन को लेके आना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे एक चीज और आता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैंने सिटी दिया रो में और फिर मैंने प्रोडक्ट नेम को रख दिया कॉलम्स, आप मैट्रिक्स करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आप रिजल्ट आ गया, यहाँ पे सर एक नहीं आया। तो जो प्रॉब्लम है वो कैलकुलेशन में है, ठीक है ना, बाकी फील्ड में नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सिटी फील्ड लिया किससे, कस्टमर से, और यहाँ पे प्रोडक्ट फील्ड लिया किससे, प्रोडक्ट से। अब यहाँ पे हमने कोई ऐसा फील्ड नहीं रखा हुआ, मतलब कि इसका क्या बोलते हैं, सेल्स का कोई फील्ड नहीं, तो क्या एमआरपी का टोटल दिखाएगा यहाँ पे? अगर एमआरपी को हम वैल्यू में रखें तो यहाँ पे वन वन सारा दिखा रहा है, तो एमआरपी का एवरेज नहीं दिखा होगा, नहीं दिखा तो रहा है, नहीं नहीं दिखा रहा है, दिखा रहा है, दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि सबका एक हर कॉलम में एक ही रिजल्ट दे रहा है, अलग अलग नहीं दे रहा। यहाँ पे देखिए 106, 131, 126 ऐसे आ रहा है ना। अगर हम मान लीजिए एवरेज एमआरपी हटा के यहाँ पे एमपीएस को रखते हैं और इसको एवरेज कर देते हैं सम के जगह पर, सही तो है? तो मैट्रिक्स में आ जाता है, थोड़ी सी इसमें आपको और डिटेल में जाके इसको समझना होगा सर, ठीक है ना, कि अगर आप सिर्फ एक डायरेक्ट कैलकुलेटेड डायरेक्ट वो फील लेते हैं जिसमें कैलकुलेशन है, तब आपकी जो है दिक्कत हो जाती है, तब आपकी जो है कैलकुलेशन सही नहीं आती है। लेकिन जब आप कोई फील्ड मैट्रिक्स फॉर्मेट में लेते हैं, रो कॉलम में कर देते हैं, देन आप अपने फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को?
नहीं सर, सर सर। अब चलिए इस फाइल को मैं वापस बंद करता हूं। अब हम बिना रिलेशनशिप को भी यूज कर सकते हैं, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम इस बार भी फिर से वही डेटा को कॉपी कर रहे हैं, ले रहे हैं सॉरी। तीनों टेबल यहां से यहाँ पे बात आती है कि मुझे यहाँ डेटा जो मैं डेटा है सेल्स पे देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए पीआईडी के बाद हमें यहाँ पे जो है, देखिए हमेशा कॉलम लास्ट में ऐड होता है, ध्यान रखिएगा। हम सोचे पीआईडी के बाद ऐड करना तो नहीं होगा, यहाँ पे हम पी नेम लाना चाहते हैं, बट रिलेशनशिप के बगैर मैं रिलेशनशिप नहीं करना चाहता, क्योंकि दिक्कत हो जाती है स्लाइसर वगैरह में, हमें प्रॉब्लम हो जाती है स्लाइसर लगाने में, क्योंकि स्लाइसर तीनों टेबल में वर्क करने लगता है। हम चाहते हैं हर टेबल का अलग अलग स्लाइसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे चाहिए, तो जैसे आप एक्सेल में वीलुकअप लगाते हैं, वीलुकअप सबको आता है, किसको वीलुकअप नहीं आता है? आता है सर। सबको आता है, एक ही आदमी ने बोला, बाकी को दो को नहीं आता है क्या? आता है, आता है। तो वी लुकअप जैसा, तो जैसे वहां वी लुकअप होता है, यहाँ पे होता है लुकअप वैल्यू। क्या होता है? लुकअप वैल्यू का फॉर्म। अब लुकअप वैल्यू में सबसे पहले आपको देना होता है रिजल्ट कॉलम, यहाँ पे उल्टा लगता है, रिजल्ट कॉलम, कि आपको कौन से कॉलम से रिजल्ट चाहिए। तो हमने बोला कि हमें प्रोडक्ट से चाहिए, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट का नेम चाहिए। अब यह आता है कि यहाँ पे दूसरा आता है सर्च कॉलम, तो जो आईडी, जो यूनिक आईडी है, वो सर्च कहाँ करेगा? तो हमने बोला प्रोडक्ट की पीआईडी में सर्च करेगा, ओके। अब यहाँ पे क्राइटेरिया, कि सर्च क्या करना है, सर्च वैल्यू क्या करना है, तो हमने यहाँ पे सर्च वैल्यू में बोल दिया सिंपल सा पीआईडी, ठीक है, सेल्स की पीआईडी, एंटर प्रेस किया। आ गया रिजल्ट सर? समझे सर? एक चीज ये समझ में नहीं आया सर, ये जैसे हम लुकअप वैल्यू, तो प्रोडक्ट नेम हो गया ना, कि प्रोडक्ट पीआईडी होगा? देखिए यहाँ पे लुकअप वैल्यू, ये आपको कौन से, एक बार में एक ही कॉलम का डेटा लाएंगे तो पता ही आपको, जैसे वी लुकअप में आप 1 2 3 4 5 नंबर देते थे, यहाँ पे वो फील्ड नेम देना है कि आपको किस फील्ड का डेटा चाहिए, ठीक है, ओके। फिर ये होता है कि आपको जैसे वी लुकअप में आप डेटा सेलेक्ट करते थे, यहाँ पे आपको पूरा डेटा सेलेक्ट नहीं करना है, आपका जो आईडी वाला डेटा है उसको सेलेक्ट करना है, ओके। और उस आईडी के अंदर जो आप वी लुकअप में लुकअप वैल्यू, ओके, जो आप वहां पे, सुनो, वहां पे आप लुकअप वैल्यू यूज करते थे, शुरुआत में भी लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करते थे जिसको मैच करना, जैसे कि यहाँ पे हमें इस 22 को मैच करना, वो कॉलम सिलेक्ट करते, क्योंकि पावर बी आई हो, एसक्यूएल हो, एमएस एक्सेस हो, किसी एक सेल पे, किसी एक वैल्यू पे वर्क नहीं करता। जब भी वर्क करेगा किस पे करेगा? ओवरऑल कॉलम पे,
ठीक है, समझे कि नहीं? चलिए एक दो बार और बताते हैं मुझे इस पे, यहाँ पे इसकी एमआरपी चाहिए। तो हमने न्यू कॉलम पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने लिया एमआरपी और यहाँ पे लगाया लुकअप वैल्यू। क्या लगाएंगे? लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू इसमें मुझे क्या चाहिए? तो एमआरपी चाहिए। तो यहाँ पे टाइप भी करेंगे एमआरपी तो मुझे एमआरपी दिखा देगा। और टैब से सेलेक्ट कीजिए, मैनुअली पूरा टाइप मत कीजिएगा, आपको टैब से सेलेक्ट करना है। सर्च किसमें करना है? तो पीआईडी के अंदर सर्च करना है। और क्या मैच करना है? तो हमें पीआईडी मैच करनी है सेल्स की। एमआरपी आ गए। ऐसे मुझे कस्टमर का नेम चाहिए, मुझे कस्टमर का नेम चाहिए। तो यहां पे सी नेम और यहां पे देते हैं हम लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हम सेलेक्ट करते हैं यहां पे मुझे क्या चाहिए? तो मुझे कस्टमर का लास्ट नेम चाहिए। क्या मैच करनी है? तो कस्टमर की सीआईडी। किससे करनी है? तो सी आई डी ऑफ सेल्स, ऑटोमेटिक आ गया। एंटर प्रेस कीजिए, आ गया। चलिए मुझे इसकी सिटी चाहिए, अगेन यहाँ पे हमने सिटी किया सिटी और यहाँ पे हमने अगेन लुकअप वैल्यू। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? हमें चाहिए सिटी, कस्टमर की सिटी। क्या मैच करना है? तो कस्टमर की सी आई डी। किसमें मैच करना है? तो सी आई डी ऑफ सेल्स, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सर एक क्वेश्चन था यहाँ पे, बोलिए। सर जैसे बी लुकअप के अंदर होता है, यस सर, एक सर जैसे एक्सेल के अंदर लुकअप, बी लुकअप में क्या होता है कि जो फर्स्ट वैल्यू मिलते हैं उसको पिक कर लेता है, अगर दो दो नेम होते हैं दूसरे केसी पे, तो इस केस में क्या करता है? ये भी सेम एप्लीकेशन, सेम सेम सेम, यहाँ भी सेम है सर। और उसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन सर कि हमें दोनों वैल्यू चाहिए तो? नहीं, यहाँ पे ऑप्शन इसका कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या पता है आपको, एक सेल के ऊपर वर्क नहीं करता है, पूरी की पूरी कॉलम पे वर्क करता है। तो यहाँ हम किसी एक वैल्यू को लुकअप नहीं कर रहे, हम कॉलम टू कॉलम को लुकअप कर रहे हैं, समझे कि नहीं? यस सर, कॉलम टू कॉलम की लुकअप कर रहे हैं। चलिए एक और डेटा यहां बनाता हूं मैं, सो लेते हैं। मुझे वो ड्रैग करना था ना, इसको कॉपी करता हूँ और पावर बी आई के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे हम एंटर डेटा इसको सिलेक्ट किया, प्रेस कर और यहाँ से हम कर देते हैं DBL1। अब इसी को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, कॉपी कर
अब आप अगर हम डेटा अपने डेटा पे आए तो मेरे पास दो अलग अलग टेबल है। टीवीएल में आप देखेंगे कि सिटी नेम और सिटी और यहाँ पे अमाउंट है, ठीक है। और यहाँ टीवीएल टू के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे नेम सिटी है, राइट। यहाँ पे देखते हैं पूजा पुणे और नीचे भी पूजा है जो कि कानपुर। अब मैं अगर पूजा के अकॉर्डिंग लुकअप करता हूँ, मान लीजिए कि मैं न्यू कॉलम देता हूँ और न्यू कॉलम के अंदर अब मान लीजिए कि अमाउंट लुकअप करना है, ठीक है। यहाँ पे लुकअप वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, लुकअप वैल्यू। तो मुझे क्या चाहिए, तो मुझे यहाँ पे चाहिए अमाउंट। तो टीबीएल वन के अमाउंट और टीबीएल वन हमें लुक मैप करना है किसमें, तो यहाँ अगेन नेम में टीबीएल टू डॉट टू। अब यहीं पे प्रॉब्लम आ गई। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं सर, आप जो मल्टीपल वैल्यू की बात कर रहे थे तो मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया कि सेम आता है, यहाँ सेम नहीं आता। अगर वैल्यू डुप्लीकेट है तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पूजा उसमें कई बार रिपीटेड है और हर पूजा के लिए अलग वैल्यू, समझे सर। यहाँ पे दिखा ना, टेबल ऑफ मल्टीपल वैल्यू आर सप्लाइड वेयर द सिंगल वैल्यू बिल एक्सट्रैक्टेड। तो सिंगल वैल्यू ही आएगा, मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे सप्लाई हो रहा है। तो अगर मल्टी मुझे चाहिए पूरी की पूरी लिस्ट, तो फिर आपको जो है यूज करना पड़ जाता है हमारा टेबल टूल्स। मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी तो क्या करें इसमें। तो मैंने यहाँ बोला कि कॉनकेट कर देता हूँ, कॉनकेट डैश एंड कॉनकेट सिटी टीवीएल टीवीएल वन नहीं, टीवीएल यहाँ टू हो गया, वन ही करना है। फिर यहाँ पे कॉनकेट डैश कॉनकेट, हालांकि ये होगा नहीं सर, ये वर्क नहीं करेगा। टीवीएल टू यहाँ पे हमने कर दिया नेम, टीवीएल टू डॉट नेम। हाँ यहाँ पे टू आर्गुमेंट नहीं लेगा ये। तो यहाँ पे सिटी होना चाहिए ना, नहीं। तो इसके लिए क्या करना हो, वही अपना एक्सेल वाली मेथड, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। तो यहाँ सबसे पहले एक नया कॉलम ऐड करना होगा, आईडी बनाना होगा। क्या बनाना होगा, इसमें नहीं, टेबल वन में ही बनाना होगा इसमें। सर बैकग्राउंड शोर आ रहा है किसी का, प्लीज म्यूट कर लें। यहाँ पे देंगे हम आईडी बनाते हैं। आईडी में क्या कर रहे हैं हम, नहीं नहीं एक मिनट, ये हमने कहाँ पे आ गए, टेबल वन में आना चाहिए ना, कस्टम में आना है। यहाँ पे न्यू कॉलम आईडी के यहाँ पे हो जाएगा आपको इन, यहाँ पे नेम टेबल वन नेम एंड परसेंट डैश फिर एंड परसेंट सिटी, टेबल वन सिटी। अब देखते हैं कि हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, अब यहाँ होता है कि नहीं होता है, टेबल टू में अमाउंट आती है कि नहीं आती है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हमने मुझे लाना है टेबल वन से अमाउंट, और मैच क्या करनी है, तो आईडी को किससे मैच करनी है,
तो यहां हमने बोला नेम, टेबल टू का नेम एन परसेंट डैश अगेन एन परसेंट सिटी, टेबल टू सिटी वही है सर, डुप्लीकेट इसी नहीं आ रहा है। तो अगर आपके डेटा डुप्लीकेट हुआ तो लुकअप वैल्यू यहां पे मौजूद करेगी। इसके लिए क्या उपाय है, इसके लिए हम सम इफ का फॉर्मा लगाए। यहाँ पे सम इफ नहीं सम एक्स चलता है, लेकिन सम एक्स को समझने के लिए आपको फिल्टर का फॉर्मूला समझना पड़ेगा जो कि अभी हमने इस आपके साथ कराई नहीं है। इतना समझ जाइए कि लुकअप वैल्यू आपका वही वर्क करेगा जहां पे आपका जो ओरिजिन है, जिससे डेटा लेके आप आ रहे हैं, जिसमें उसके अंदर आपकी रिपीटेड वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है जो आपका टेबल है कस्ट प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है डेटा किसको, सेल्स को। तो सेल्स के अंदर प्रोडक्ट कई बार आया चलेगा, पर प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट एक बार आना चाहिए। तो रिलेशनशिप में हो या लुकअप वैल्यू में हो, दोनों में सेम कंडीशन होता है कि अगर मल्टीपल वैल्यू है तो आपको यहाँ पर रिजल्ट देगा ही नहीं, क्या देगा, एरर देगा। मल्टीपल वैल्यू में क्या देगा सर, एरर देगा। समझ में आया आप लोगों को।